सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भैवस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। आज आपसे चर्चा करता हूँ कि देवर्षि नारद और माता मैना ने आपस में क्या चर्चाएं की। मैना को नारद का उपदेश, हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देख करके सारी स्त्रियां जब व्याकुल हो गई थी, मैना अपनी कन्या को स्नेह को याद करते हुए विलाप करती हैं, रोती हैं, कहती हैं, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, मैं नारद कर काह बिगाड़ा, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावरे भर के लिए जाकर के जंगलों में तप किया। सचमुच उसके किसी प्रकार की न तो मोह है नारद के, न माया है, न उसके धन है, न घर है, न स्त्री है, वे सबसे उदासीन हैं। ऐसे शिव को पाने के लिए उसने ऐसा किया, दूसरे को घर को उजाड़ दिया, दूसरे ने किसी की लाज को नहीं देखा। दूसरे का घर उजाड़ने वाले ये नारद हैं, उन्हें किसी की लाज नहीं है, डर नहीं है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा के दर्द को क्या जाने। माता को विकल देख करके पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी से बोली, हे माता, जो विधाता ने रचा हुआ है उसे कौन टाल सकता है। ऐसा विचार तुम करना छोड़ दो, ऐसा विचार मत करो जो मेरे भाग्य में लिखा हुआ है। यदि बावला पागल वर ही पति मुझको प्राप्त होना लिखा है तो वही प्राप्त होगा, किसी को क्यों दोष लगा रही हो माँ। माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। व्यथा कलंक का टीका अपने मथे पर मत लो, हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो, यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख और सुख लिखा है उसे जहाँ जाऊंगी वहीं पर प्राप्त होगा। पार्वती के ऐसे विनय भरे हुए वचनों को, कोमल वाणी को सुनकर के सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष दे करके आंखों में आंसू लेकर के उनको बहाने लगी। इस समाचार को जब सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी सप्तऋषियों के साथ में महाराज हिमांचल के घर में पहुंचे और मैया मैना को देखा। नारद जी ने पूर्व जन्म की सारी कथा सुना करके सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो, तुम्हारी यह लड़की जगत की जगत जननी है, भवानी है, अजन्मा है, अनादि है, अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव के अर्धांग में निवास करती है, ये जगत की उत्पत्ति पालन संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। पहले ये दक्ष के घर में जाकर के जन्मी थी, तब इसका नाम सती था, बहुत सुंदर शरीर पाया, वही सती शंकर को ब्याही गई थी, यह कथा सारी जगत में प्रसिद्ध है। एक बार शिव जी ने रघुकुल रूपी कमल के सूर्य रामचंद्र जी को देखा और मोह में देवी हो गई थी सती, इन्होंने शिव का कहना न मान करके भ्रमवश सती का रूप धारण किया, सीता का रूप धारण किया सती ने, और सती ने जो सीता का रूप धारण किया उसी अपराध के कारण शंकर जी ने सती जी को त्याग दिया था। शिव के वियोग में अपने पिता के घर गई और योगाग्नि में जल करके अपने प्राणों का इसने परित्याग कर दिया था। दूसरा जन्म इसने लिया, कठिन तप किया, ऐसा जान करके संदेह छोड़ दो, पार्वती तो सदा शिव की प्रिय अर्धांगिनी है। नारद के ऐसे वचनों को सुनकर के देवी मैना का क्षण भर में जितना भी क्लेश था, दुख था, समस्या थी, वह समाप्त हो गई और घर घर मंगल खुशियां फैल गईं कि अब तो भगवान भोलेनाथ का और देवी पार्वती का विवाह होगा। नारद जी को जो बार बार मैना जी ने कहा था और नारद जी ने आकर के जब गुरु के रूप में वो सारी बातें बताई, तब अंततो गत्वा मैना जी मान गई, देवी पार्वती भगवान शिव के विवाह का सुंदर संबंध हुआ है। मित्रों, यह सुंदर संबंध, यह श्रावण मास की जो पवित्र कथाएं होती हैं उसके अंतर्गत आता है, हमने भी आपको श्रवण कराया। पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी, जय माता।